महाराष्ट्र सरकार में छोटे पवार और उनके समर्थकों की एंट्री के बाद प्रदेश की राजनीति में आए दिन नए नए समीकरण बन रहे हैं और बिगड़ रहे हैं। प्रदेश में एनसीपी की बगावत और अजित पवार के डिप्टी सीएम बनने के बीच विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने बड़ा फैसला किया है। उन्होंने शिंदे गुट के नेता सीएम एकनाथ शिंदे और विधायकों को नोटिस जारी किया है। विधानसभा स्पीकर ने सभी से 7 दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। उनका यह फैसला ऐसे वक्त में आया है जब राज्य की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा है और माना जा रहा है कि एनसीपी गुट के साथ आने से शिवसेना शिंदे गुट के विधायक नाराज बताए जा रहे हैं। बता दें, विधानसभा अध्यक्ष को शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला करना है। महाराष्ट्र विधानमंडल का मानसून सत्र 17 जुलाई से 4 अगस्त तक चलेगा। यह निर्णय शुक्रवार को विधानसभा की कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया। बैठक में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ रविवार को सरकार में शामिल हुए उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता छगन भुजबल शामिल थे। कहा कि सत्र से पहले मंत्रिपरिषद के विस्तार की संभावना नहीं है। हालांकि एनसीपी से मंत्रियों को विभागों का आवंटन आने वाले दिनों में हो सकता है। एक्स रिपोर्ट, मुंबई महानगर।